नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से घोषित दूसरा स्वास्थ्य पैकेज तीसरी लहर की तैयारियों के साथ साथ स्वास्थ्य ढांचे को स्थायी रूप से मजबूत भी करेगा। कोरोना की दूसरी लहर की व्यापकता और टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार के आधार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने तीसरी लहर के दूसरी लहर की तुलना में कमजोर होने का अनुमान लगाया है। जाहिर है पैकेज से मजबूत होने वाले स्वास्थ्य ढांचे का लाभ लंबे समय तक आम लोगों को मिलता रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में वैसे तो अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक के हुए अध्ययनों में ये साफ है कि कोरोना से पहले संक्रमित होने वालों और वैक्सीन लेने वालों को संक्रमित होने की संभावना कम होती है और संक्रमित होने के बाद भी बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। दूसरी लहर की व्यापकता का सही अंदाजा तो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कई शहरों में हुए स्थानीय स्तर पर सीरो सर्वे में 90% तक लोगों के संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। जाहिर है ऐसे लोगों में तीसरी लहर का प्रभाव दूसरी लहर जैसा नहीं होगा। कई मंचों पर कई सालों से उठ रही समान नागरिकता संहिता लाने की मांग की वकालत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय समाज समरूप हो रहा है, धर्मों के बीच की पारंपरिक दूरियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। यूसीसी का समर्थन करते हुए पीठ ने कहा कि कई समुदायों जनजातियों जातियों या धर्मों से संबंधित भारत के युवाओं को विवाह और तलाक के संबंध में कई व्यक्तिगत कानूनों में टकराव के कारण पैदा होने वाले मुद्दों से जूझने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए। पंजाब और हरियाणा में बड़े जल स्तर की दस्तक है। दरअसल भाखड़ा डैम में पानी लगातार घट रहा है और डैम के जल स्तर में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। इसके साथ ही डैम के पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन भी कम हो गया है। हिमाचल से आने वाली सतलुज व्यास और रावी नदियों से इस बार पानी का आवक में कमी बरकरार है। इस कारण भाखड़ा बांध का जल स्तर 44.96 फीट कम हो चुका है। भाखड़ा बांध की सामान्य जल भंडारण क्षमता 1680 फीट है। बता दें कि इस समय जल स्तर 1535.24 फीट है, जबकि पिछले साल आज ही के दिन जल स्तर 1590.20 फीट था। करीब एक सप्ताह में पहली बार पानी की आवक में लगभग करीब 25,000 क्यूसेक तक की कमी आ चुकी है, लेकिन पिछले दो दिनों से हिमाचल में हुई बारिश के चलते आवक का ग्राफ 40,118 क्यूसेक तक पहुंच गया है। पिछले साल आज ही के दिन यानी कि आवक 42,429 क्यूसेक था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की आरंभिक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 28 जून 2021 से जारी है। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी, केजी और क्लास एक के नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म 28 जून से उपलब्ध हैं। जो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराने के इच्छुक हैं वो संबंधित स्कूलों से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरकर जमा करने की लास्ट डेट 12 जुलाई 2021 है। बता दें दिल्ली के इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन के संबंध में शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से 24 जून को जानकारी शेयर की थी। शिक्षा निदेशालय ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रवेश स्तर की कक्षाओं में नामांकन के लिए सर्कुलर की कॉपी भी साझा की थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे दाखिले के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि यदि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई सर्वोदय विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो 3 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले बच्चे आवेदन करने के योग्य हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने एक बार फिर से 7 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। पिछले साल 15 अगस्त को धोनी ने अचानक संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया था
और इसके तुरंत बाद ही रैना ने भी अपने पूर्व कप्तान की जमात में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अब रैना ने एक और बड़ा बयान दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर धोनी अगले आईपीएल में नहीं खेलेंगे तो वो भी संन्यास ले लेंगे। धोनी और रैना में आईपीएल की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलना शुरू किया था। इसके बाद जब टीम को 2 साल के लिए निलंबित किया गया तो धोनी पुणे सुपर जॉइंट्स की तरफ से खेले, जबकि रैना को गुजरात लॉयंस की का कप्तान बनाया गया था। सीएसके की टीम की एक आईपीएल में वापसी हुई तो दोनों ही धुरंधर ने खिताबी जीत के साथ जश्न मनाया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। ऐसे में समय मिलते ही आशीर्वाद लेने के लिए राजनीतिक गुरु के पास भी पहुँच गए और इन दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी दिल्ली के दौरे पर हैं। बता दें सीएम पुष्कर सिंह आज करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह और शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। बता दें 2 वाहन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 9 चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के सफेदा रोड का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 9 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए दोनों वाहन चोरों से एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि दोनों चोर बड़े ही शातिर किस्म के चोर हैं और आसपास के राज्यों से मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने का काम करते हैं। खतौली कोतवाली पुलिस द्वारा थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया गया। क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर और प्रभारी निरीक्षक खतौली श्री यशपाल सिंह की संयुक्त टीम के द्वारा एक वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 2 अभियुक्त नईमुद्दीन और साबेज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी निशादेही पर 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये बहुत ही शातिर गैंग है, इनके 2 साथी फरार हैं, जिनका बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी खतौली पुलिस द्वारा 12 मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं और निश्चित रूप से ही इस बरामदगी से खतौली और आसपास वाहन चोरी में कमी आएगी। इसमें 2 मोटरसाइकिलें लिंक हो गई, एक दिल्ली से चोरी की है और एक मुजफ्फरनगर सदर बाजार थाने की चोरी की है। कोरोना महामारी में अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 144वीं परंपरागत रथ यात्रा को कर्फ्यू लगाकर 19 किलोमीटर के रूट को सिर्फ 3 रथ और 5 वाहनों के साथ अनुमति दी गई है। वहीं प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। बता दें गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों में श्रद्धा और आस्था है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। इस साल कोरोना सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रथ यात्रा निकाली जा सकेगी। उन्होंने आगे बताया कि 12 जुलाई को सुबह को निज मंदिर से रथ यात्रा शुरू होगी और सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। इस दौरान दर्शनार्थी रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं दूरदर्शन और निजी टीवी चैनलों के माध्यम से लोग रथ यात्रा का दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि हर साल ये यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। बाराबंकी टिकैत नगर में पिछले दिनों हुई हनुमान मंदिर के पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी के दौरान पुजारी की हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांडे ने मामले की जानकारी दी। बाराबंकी के टिकैत नगर क्षेत्र में पिछले दिनों दरअसल हनुमान मंदिर के एक पुजारी की हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घटना की छानबीन में जुट गई थी। पुलिस ने छानबीन के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और अभियुक्त से पूछताछ में पैसों की चोरी को लेकर पुजारी की हत्या का खुलासा भी किया था। थाना टिकैत नगर पे सूचना दी कि मेरे पिता सुरेश चंद्र वर्ष 2018 से खमोली स्थित हनुमान मंदिर पर रहते थे। वो वहाँ पे पुजारी थे और वहीं मंदिर के पास बने कमरे में रहते थे।
और 26/5 को अज्ञात लोगों द्वारा मेरे पिता की हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना टिकैत नगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया और थाना प्रभारी टिकैत नगर के नेतृत्व पुलिस टीम द्वारा परिस्थिति जन साक्ष एवं डिजिटल साक्ष से घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 9/7/21 को टिकैत नगर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर अभी जिसका नाम देशराज है, ये सराय बरई का रहने वाला है जो घटनास्थल के पास में ही है, इसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पे हत्या प्रयुक्त सरिया 1 अदद, 3 अदद जमा पर्ची SBI, 1 अदद आधार कार्ड और 2700 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अगली खबर चंदौली से है, जहां चक्कर घट्टा थाने से फरार लूट के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें बबुरी और चक्कर घट्टा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बबुरी थाना क्षेत्र के लेवा उतरौत रोड के भुड़कुड़ा गांव के पास पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की तो उस टीम पर फायरिंग बदमाशों ने कर दी। गोली बाबूरी पुलिस के गाड़ी में जा लगी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बता दें पुलिस अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभियुक्त संदीप का प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार की चक्कर घट्टा थाना क्षेत्र में बीते दिनों डिलीवरी बॉय के साथ हुई लूट का आरोपित संदीप कुमार उर्फ रवि शुक्रवार की भोर में थाने से फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। उसे दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। यहाँ पर शाम के समय जो रूटीन चेकिंग कराई जाती थी वो तथा आज क्योंकि एक मामला था, सुबह थाना चक्कर घट्टा से भी एक व्यक्ति भाग निकला था, तो उसकी चेकिंग के लिए पूरे जिले की फोर्स अपने अपने थाना क्षेत्र में लगी हुई थी, जिसमें थानाध्यक्ष बबुरी चेकिंग कर रहे थे तिराहे पर। तब उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, इसका पीछा किया इन्होंने तो उसने फायरिंग किया। उसी फायरिंग के जवाब में जब इन्होंने फायर किया तो जो संदिग्ध थे एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति, उनमें से एक को आत्मरक्षा में कार्रवाई करते समय गोली लगी है और एक व्यक्ति उनमें से जो है वो उतर के खेतों की तरफ भागा है, जिसके लिए अभी कॉम्बिंग कराई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।